जल्दी इस काम को हाँ बोलने के लिए। बंदा बिल्कुल तैयार है, एकदम बदला बदला और पहले से फ्रेश। जब से बैरी से मदद लेना स्टार्ट किया है तब से ऐसा चैन मिल रहा है जो पहले कभी मिला ही नहीं, कभी भी नहीं। अब मैं ज्यादा भड़कता नहीं हूँ, लोगों की गलतियों पर कभी रिएक्ट नहीं करता। हाँ, धंधे में लौटने के लिए फाइट चल रही थी, लेकिन जैसा बैरी बोलता है, अगर मुसीबत के पीछे नहीं भागोगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। लगता है तुम्हारा नया थेरेपिस्ट शायद भूल गया है कि तुम्हारा घर कैसे चलता है। लेडीबग, ये लेडीबग कौन है? नया मिशन, नया नाम। लेडीबग, सच्ची क्यों पसंद नहीं तुम्हें आया? मस्त है। ठीक है, तुम्हारी पसंद मेरी पसंद। तुम नाम कुछ भी रखो, मेरा बैड लक तो एकदम खराब ही रहेगा। तुम्हारा लक इतना भी खराब नहीं है। ओ, ऐसा क्या? तुम तो मेरे हादसों के बारे में जानती हो, मुझे किसी की जान लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ही दे देते हैं। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? ऐसा क्या? मेरा आखिरी जॉब याद है? बड़े लोगों को ब्लैकमेल करना, याद है ना वो होटल के वेटर का हाई जंप जो मरने के लिए बेताब हो रहा था? हॉस्पिटल ले गए, याद है? अबे तेरा तो है ना? और फिर वो मरा भी नहीं, वो बच भी गया। तुम्हारा लक अच्छा था, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। वो तो है, वैसे जगह मस्त है, सेटल होने का मन कर रहा है। माहौल बड़ा अच्छा है, लोग एकदम टकाटक हैं, सिवाय इस बंदे के। अच्छा, इस काम के लिए मुझे क्यों चुना? तुम्हारी जगह कारवर आने वाला था, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। कारवर? वो ऐसे छोटे-बड़े काम नहीं करता। अच्छा, तो इसके लिए उसकी जगह मुझे चुना, मतलब मैं उसका रिप्लेसमेंट हूँ? तुमने कहा था ना तुम्हारा पहला काम आसान होना चाहिए, इससे आसान क्या होगा? लग गए। क्या हुआ? वो बंदा जो मुझसे टकराया था ना, तो शायद चाबी गिर गई। लॉकर का नंबर क्या? 523। जिस स्कूल में वो पढ़ता था उसका हेडमास्टर रह चुका होगा, अचानक बीमार पड़ गया, ऐसे बहाने तो बच्चे करते हैं। हेलो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं खुद में बदलाव ला रहा हूँ। फिर भी कारवर कितना कमीना है ना। तुम्हारे पटाखों की डिमांड्स कुछ अजीब नहीं है? हाँ, अपना अपना स्टाइल है। अब ये मत कहना कि तुमने स्लीपिंग पाउडर भी मंगवाया है। नो। तुम्हारी वजह से एनकरेज के बॉडीगार्ड को हार्ट अटैक आ गया था। हाँ, डोज थोड़ा ज्यादा हो गया था। गन ले लो। हमारी ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए शुक्रिया, फर्स्ट क्लास उस तरफ है। ठीक है, थैंक यू। तुमने गन नहीं ली ना? बैरी बोलता है हर लफड़े को पहले शांति से निपटाना चाहिए। क्या कहते हैं वो? कुछ मसले बिना हथियारों के नहीं सुलझते।